ओके सो हे गाइस, वट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप सभी को। एंड उसके बाद आप सभी को अब इस फोटो को लेकर चले जाना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे जाना है ऐड फोटो में। एंड यहाँ से गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस, जो मेरा मॉडल है, मैं इसका कटआउट पहले ही कर लिया, क्योंकि यार जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने आप सभी को वीडियो में नहीं दिखाया कटआउट करके, ठीक है। तो बाकी जिसको कटआउट करना नहीं आता, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीन वीडियो के लिंक दे रखे, आप तीनों में से कोई सी वीडियो देख लेना और उसके हिसाब से आप बैकग्राउंड क्रिएट करना सीख सकते हो। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, आपको जब मॉडल ऐसे लगा लोगे, तो उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से टैप करना है एक, उसके बाद आप सभी को लेयर में जाना है। एंड यहाँ पे आप सभी को एक इम्प्रिंटेड लेयर बना लेनी है। एंड इसको ले जाना अपने मॉडल के नीचे। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को ब्रश में जाना है। एंड उसके बाद गाइस, आपको जो सबसे हार्ड वाला ब्रश है उसको सिलेक्ट करना है। एंड इसकी जो हार्डनेस है उसको कम कर लेना है। एंड साइज को अपने हिसाब से रख के, एंड ओपेसिटी कम करके, एंड कुछ इस हिसाब से आपको शेडो क्रिएट करनी है गाइस, ठीक है। तो मतलब ये जो शेडो है, इसको गाइस आप सभी को मतलब कि ऐसे लगाने करना है कि मतलब कि शेडो जो है मतलब दिखनी नहीं चाहिए, मतलब कि शेडो एक मतलब कि हल्के हल्के दिखनी चाहिए। यानी कि मैं आप सभी को बताता हूँ अभी, मतलब कि ओपेसिटी में जब इसकी कम करेंगे तब आप सभी को बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो शेडो है कुछ इस टाइप से क्रिएट हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको लेयर में जाना है। एंड इसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पर इसकी शेडो को माइनस करना है, यानी कि अब ओपेसिटी कम करना है, ठीक है गाइस, देखिए कुछ इस टाइप से। एंड अब उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को एक और इम्प्रिंटेड लेयर बना लेनी है यहाँ पे। एंड जो ये इम्प्रिंटेड लेयर आपके मॉडल के ऊपर ही रहेगी। एंड इसके बाद आप सभी को ब्रश में जाना है। अब यहाँ पे आप सभी को जो है साइज़ को छोटा कर लेना है अराउंड 26 तक, एंड ओपोसिटी 10 तक कर लेनी है, ठीक है। एंड फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद आप सभी को ऊपर ऊपर कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करना है, यानी कि जो गाइस अभी हमने जो पहले जो शेडो बनाई है ऊपर वाली, उसमें और इसमें दोनों का शेडो मैच हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को शेडो क्रिएट करनी है यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइस, आगे आप सभी को फिर क्या करना है, अभी ये गाइस जिसकी थोड़ी सी ओपोसिटी ज़्यादा हो गई है, नीचे वाली जो शेडो है हम इसकी साइड ओपोसिटी और कम करेंगे, ठीक है। इस तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम गाइस कर देंगे डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को चले जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा कि विगनेट का पीएनजी, ठीक है। तो इसको कैसे लगाना है आप सभी को, यहाँ पे पहले आपको फुल स्क्रीन करना है, ठीक है। तो अभी इतना ही आ रहा है, तो अभी इसको हम और स्क्रीन का फुल स्क्रीन करेंगे। एंड इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, एंड कुछ इस शेप में यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे डन कर देंगे। एंड गाइस उसके बाद अभी हम दोबारा ऐड फोटो में जाएंगे, एंड यहाँ से हमें एक पीएनजी और लगाना है। तो ऐड फोटो में चलते हैं, इस पीएनजी को ले लेते हैं। एंड इसको गाइस आप सभी फिर करना, आपको उसको ब्लेंडिंग मोड में जाकर स्क्रीन कर देना है। एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को ऐसे जूम करके ऐसे लगा देना है। एंड चाहो तो गाइस इसके ओपोसिटी आप थोड़ी कम कर लेना। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पर कर देना है डन, ठीक है। इतना परफेक्ट है। अब आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को गाइस यहाँ से चले जाना है टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सभी को जो ब्राइटनेस है उसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, साइज को छोटा करना है, एंड उसे फोटो को जूम करना है। एंड गाइस दोनों मॉडल के ऊपर आप फेस पे कुछ इस टाइप से डोजन बन कर सकते हो, चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको करना हो तो कर भी सकते हो, ठीक है। तो बाकी हम इस वाले मॉडल पे भी कर लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे फाइनली इतना तो हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी ओपोसिट जो अराउंड कुछ 6 तक रखेंगे, एंड आप एक बार डन करेंगे, ठीक है। एंड डन कर लेते हैं। एंड डन करने के बाद गाइस यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इस फोटो कर लेंगे सेव, एंड इसको ओपन कर लेंगे लाइटरूम ऐप में। एंड लाइटरूम ऐप में ओपन होने के बाद आप सबको फिर करना है, आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है, हाईलाइट को बढ़ा देना है, शेडो को बढ़ा देना है, वाइट को कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी कम कर देना है। एंड चले जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को माइनस कर देना है। एंड इसमें जाना मिक्स में, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस करना है, ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। एंड इसका जो येलो कलर है इसका ह्यू माइनस कर देना है, सैचुरेशन प्लस कर देना है। एंड इसको चले जाना ग्रीन डार्क ब्लू में, इसका जो सैचुरेशन है इसको आपको थोड़ा माइनस रखना है, एंड ल्यूमिन ह्यू को प्लस में। एंड उसके बाद आपसे फिर क्या जाना है, आपको नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी आपसे को इंक्रीज़ कर देनी है, एंड जो फोटो में विगनेट है वो भी डाल देना है। एंड अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ग्रीन अमाउंट मिल जाएगा, तो आप उसको भी इंक्रीज़ कर देना है। एंड इसको चले जाओगे नीचे वाले टूल में, तो फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड अगर जो नोड रोक्शन आप सभी को उसको भी इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो गाइस कलर नोड रोक्शन है आप सभी उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो का जो रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।